2019 में एग्जाम लिया, आज तक उसका जांच पड़ताल नहीं हो रही है। आपको पता नहीं चला धांधली किसने की, और आज छात्रों पर लाठी बरसाना चाहते हैं, गोली चलाना चाहते हैं। कौन करेगा समाधान? कौन है जिम्मेदार? ये छात्र जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। डाक बंगला चौराहा पे हैं और माले विधायक महबूब आलम भी उतर गए हैं अभ्यर्थियों के समर्थन में। सर, अभ्यर्थियों के समर्थन में आप उतरे हैं, क्या कहिए? अरे, सरकार का जो हाल देख रहे हैं भाई, ये सरकार है? अगर सरकार है तो उनका औचित्य साबित करना होगा ना। एक सिंपल NTPC और RRB के खिलाफ जो आक्रोश था, जो आक्रोश राजेंद्र नगर स्टेशन में उजागर किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, उस पर दमन आपने किया, उसमें लाठी चलाई आपने, छात्रों को हॉस्टल से निकाल निकाल के आपने पीटा, आंसू गैस चलाए, तो उसी के क्रम में आज बिहार बंद है और बिहार के हर गली हर चौराहे पर आज छात्र आंदोलन में है। हम तो, हमारा मांग है सिंपल कि NTPC RRP में आप बहाल कीजिए। आप हमारी मांग है, आप 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का कैबिनेट में मुद्दा लाइए आप। और बिहार SSC का एग्जाम आपने 2014 में लिया, बिहार SSC का मुद्दा 2014 में लिया, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। कौन करेगा समाधान? कौन है जिम्मेदार? ये छात्र जिम्मेदार है, ये हम जिम्मेदार हैं। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के समर्थन में है, हित में बात करते हैं। बिल्कुल उसके समर्थन में हित, तुम उसका उनको पूछिए वो छात्र के समर्थन में है कि नहीं है, पूछिए उनसे आप। वो तो बोल रहे हैं सर कि हम हैं यही समर्थन में। 14 में एग्जाम लिया गया, आज तक बहाली नहीं की। 2019 में एग्जाम लिया, आज तक उसका जांच पड़ताल नहीं हो रही है। आपको पता नहीं चला धांधली किसने की, और आज छात्रों पर लाठी बरसाना चाहते हैं, गोली चलाना चाहते हैं। इसलिए आज छात्रों के संरक्षक के हैसियत से आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, बाकी तमाम छात्र ही छात्र हैं। देखा जाए तो STT अभ्यर्थियों लगातार आंदोलन करते, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, लेकिन उनकी भी मांगे सर पूरी नहीं, नहीं मुंग रही है। इन तमाम मांगों को लेकर आने वाला दिन में बिहार विधानसभा जो आने वाला है उसमें जोरदार ढंग से उठाया जाएगा और नीतीश सरकार को घुटना में लाया जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार आएगी, हमने वादा किया था 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दें, पहला कैबिनेट के पहली बैठक में हम देंगे। देख सकते हैं माले विधायक महबूब आलम थे, आपने सुना, सत्र स्टार्ट होगा तो हम सब मांगे को उठाएंगे और 10 लाख रोजगार का हमने चुनाव से पहले वादा किया था, हम आज हम सत्ता में जब आएंगे तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। आपने सुना, माले विधायक महबूब आलम थे, काफ़ी आक्रोशित दिख रहे थे, कह रहे थे सरकार दावा करती है, वैकेंसियाँ निकालती है लेकिन रोजगार नहीं देती है। क्या कुछ कहना था महबूब आलम का, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।